हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज मैं आपके साथ बहुत ही बेसिक सी लेकिन बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर करने वाला हूं, खास तौर से उन माँ बाप के लिए जिनको अभी कोई छोटा सा प्यारा सा बच्चा उनके घर में है, 1-1.5-2 साल का हो गया है या अभी पैदा हुआ है। होता क्या है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है, और अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, अगर हम ज्वाइंट फैमिलीज में होते थे तो हमारे माँ बाप दादा दादी ये सारी चीज़ें हमें बताते रहते थे। तो अक्सर जब बच्चे छोटे पैदा होते हैं तो बहुत बार वो देर से बोलते हैं या तुतला के बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो फिर माँ बाप परेशान होने लगते हैं कि अरे हमारा बच्चा अभी तो 1-1.5-2 साल का हो गया, अभी तो ये मम्मी पापा भी नहीं कहता है, या वो कुछ छोटे मोटे शब्द बोलते हैं लेकिन ठीक ठाक साफ नहीं बोलते हैं। जहाँ दूसरी तरफ उसी उम्र के बहुत सारे बच्चे बहुत साफ जुबान में बात करते हैं और अच्छे से पूरे पूरे सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? इसका एक कारण होता है कि जो हमारी टंग है यहाँ पे पीछे एक थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर होती है, अगर ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चौड़ा हो बड़ा हो तो फिर ये जो टंग ट्विस्ट होता है बोलने के लिए उसको नहीं करने देता है और बच्चा बोलने में दिक्कत महसूस करता है, वो बोल नहीं पाता है। इस बीमारी को टंग टाई के नाम से जाना जाता है। इसको आम भाषा में तातू भी कहते हैं या तातुआ भी बोलते हैं, और आपने देखा होगा कि दादी माँ या माताएँ ये कहती हैं कि आपने बच्चे का तातुआ कटाया या नहीं कटाया, देखा नहीं देखा। तो अगर आपका बच्चा देर से बोलता है तो ये ध्यान रखें, और ख़ास तौर से ये भी ध्यान दे लें, या इवन डॉक्टर्स भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ फिंगर डाल के भी चेक कर सकते हैं कि ये आपको जैसे बहुत बारीक सा थ्रेड होता है अगर वो है तो ठीक है, लेकिन अगर ये टंग से पूरी तरह जुड़ा है और बच्चा पूरी टंग बाहर नहीं निकाल पाता है तो ये भी इसको पहचानने का एक तरीका होता है टंग टाई को, क्योंकि बच्चा पूरी तरीके से टंग को ऐसे बाहर नहीं निकाल पाता है। तो अगर बच्चा थोड़ी ही टंग बाहर निकालता है तो ये मान ले कि उसको टंग टाई हो सकता है और फिर बच्चा देर से बोलेगा या तुतला के बोलेगा। तो इसमें कुछ करना नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर होता है। जो टंग टाई है या जो टाई लगी है, ये जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हल्के से ब्लड से काट के छोड़ दिया जाता है, अपने आप हील हो जाता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है सलाइवा के अंदर कि वो जख्मों को अपने आप से ठीक कर देती है। लेकिन ये खुद से ट्राई ना करें, आप डॉक्टर से ही टंग टाई को निकलवाएं, क्योंकि अगर आपने गलती से भी थोड़ा सा रेजर ऊपर नीचे लगा दिया तो वहाँ पे कुछ आर्टरीज भी होती हैं सबलिंगुअल, और अगर आर्टरी कट गई तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है जो आपके लिए मुश्किल हो सकता है कंट्रोल करना। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से ही इस काम को कराएं, इस प्रोसीजर को कराएं, खुद से करने का रिस्क ना लें, बट हाँ आइडेंटिफाई ज़रूर कर लें सो दैट आप समय रहते सही इलाज करा पाएं और आप बच्चे की जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हैं उनको आप जल्दी से सुन लें और जल्दी से उस लम्हों को एंजॉय करें जब बच्चा आपके साथ बातें करता है तुतला के छोटे छोटे सेंटेंसेस में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें सो दैट इसका बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिले। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।